कौन है वो छोकरा? मुझे चाहिए वो। जनाब ले चल। छोकरा नहीं, अपुन का नाम रॉकी है, भूलेगा तो नहीं ना। जनाब वो मेरा फंडा है जनाब, मैंने उसे मजाक किया था लेकिन उसने मजाक को सच में ले लिया। जनाब चिंता मत कर, हम उस छोकरे की पुलिस से बेल करवा दिए हैं। ए, क्या हरकत कह रहे तू? अपुन नाम कमाने गया था, वो पुलिस वाले पे हाथ क्यों उठाया? जनता को मारते तो पुलिस तलाश करती, पुलिस वाले को ही फोड़ा तो तुम्हारे जैसा डॉन तलाश करेगा। आखिर चाहता क्या है बे तू? दुनिया। जनाब रॉकी आ गया तो? सलीम भाई जब रॉकी हाथ लगे तभी माल लेकर आना, अभी आओगे तो लफड़ा हो जाएगा। रॉकी मिला क्या? नहीं अभी तक नहीं मिला। बता बता रॉकी का? लेकिन उसके गुंडों को जमा कर दिए। कौन सा बड़ा तीर मारा? पहले उसको पकड़। चल उसे तलाश करो, हमें रॉकी चाहिए। क्या है बे? रॉकी मिल गया भाई जी, रॉकी पकड़ा गया। वो मिल गया, आ जाओ। चलो मिल गया। मारो से। छोड़ेंगे नहीं, कत्ल कर दो इसका। हमारे बाप अक्सर कहते हैं कि बेटा तूफान से कभी मत टकराना। ए सुनो रे, हमारे बाप को बता दो कि तुम्हारे बेटे ने तूफान को ही टांग दिया है। क्या रे असलम, चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? कोई लुढ़क गया क्या? है छोटो पुलाव लेकर आ। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? अरे जाना, रॉकी को पुलिस ने दबोच लिया है। रॉकी पकड़ा गया, माल लेके आ जाओ। चलो बंबई। जैसे ही इनायत खलील की बोट बंदरगाह को छुएगी, बंबई हमारे हाथ से छू हो जाएगी। आज हमारी सालगिरह है और हमको तोहफे में चाहिए उसका दिल और साथ में दोनों आंखें भी। और तुम लोगों की क्या फरमाइश है? छोटू बुलाओ फिर कभी, बिरयानी लेकर आ, उसके साथ रायता भी लेकर आ। जा। रक्त की बू से सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। 15 सालों से जिस काम को तुम अंजाम नहीं दे पाए, तुम्हारी औलाद ने एक पल में कर दिया। लेकिन ये गीदड़ इससे बेखबर है कि ये रक्त उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. लेकिन वो है कहाँ? लटका दिया उसे। Happy birthday. अरे रॉकी नहीं, मेरी औलाद कहाँ है? तुम्हारी औलाद उसने ही लटकाया है। Happy birthday दुश्मन दिलावर। Happy birthday. अरे जनाब तूफान को लटकाते नहीं। अरे और अमाथिर, इसका बर्थडे सॉन्ग बंद करो। तूफान से भागते हैं। मुबारक दिलावर। बम्बई मेरी है, बोलने वाले सारे बड़बोले आज एक ही जगह फंस गए हैं। वो उन सबको बम्बई की गलियों में दौड़ा दौड़ा एक एक करके खत्म करेगा। मेरा इतना खून देख के मेरी माँ का खून खौल जाता। मेरे कदम बंबई में पड़ते ही भट्टी में झोंक दिया गया मुझे। खाने में गली कूचे की ठोकरे खाई, मार खाई, तब जाकर जालिम पेट की आग बुझी। अफसोस बंबई इस बात से बेखबर थी कि भट्टी में गिरने वाला लकड़ी नहीं लोहा है, और उसी भट्टी की तपिश ने मुझे दहकता हुआ खंजर बना दिया, और खंजर सिर्फ खून बहाता है। बंबई के तेरे बाप की जागीर है? नहीं, तेरे बाप की, और तेरा बाप तेरे सामने बहुत बोल रहा है।
आज ही पैदा हुआ था ना, इसलिए मरना भी आज ही के दिन चाहता है। आज मैं तुझे तोहफे में आंख और कलेजा दूंगा, लेकिन तेरा ही भाग। भाईजान, गुस्ताखी माफ कर दो भाईजान। क्या बनता है, तोहफा नहीं लेगा? नहीं। भाई, वहां देखो। बंबई में एक ओर समंदर है तो दूसरी ओर रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी साहिल पर आना होता है तो वो भी इसकी अनुमति से आती है। का सफाया करने वाला बंबई में मिल गया है, उसका नाम है रॉकी। अब पूरा बंबई हमारे कब्जे में है, ये है हमारा दबदबा। तुम्हारा नहीं, रॉकी का। वो तुम्हारा पालतू, ये सब कुछ कर रहा है तुम्हारी खातिर या बंबई पे अपना हक जमाने की खातिर? उस रॉकी के वजह से ही हम इतने मशहूर हुए हैं। वो हमारे साथ है इसलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम सिर्फ बंबई में ही नहीं, पूरे देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये बताइए रॉकी भाई, आज कितने लोगों की धुलाई की? बेटा, कल सुबह के अखबार में छप जाएगा, जाओ पढ़ाई करो। शेट्टी भाई, बंबई में आपसे हर कोई डरता है, सिर्फ इस रॉकी को छोड़ के। शेट्टी भाई के बिना तेरी कोई औकात नहीं, अगर ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की तो तेरे पर काट देंगे। जब तक रेशम तैयार नहीं होता तब तक रेशम के कीड़े जीवित रहते हैं, उसके बाद उनको खौलते पानी में डाल देते हैं। पठान जी, भाईजान, हमारे खत के ऊपर पिन कोड ना हो तो भी लिफाफा हमारे पास आ जाता है, जानते हो क्यों? हमारा नाम ही इतना मशहूर है। सही फरमाया भाईजान, हर कोई आपकी तरह नहीं होता, कुछ लोग 10 लोगों को मारकर अपने आप को डॉन समझने लगते हैं।
एक काम अंजाम देना है। अगर कामयाब हुआ तो बंबई का मालिक तू। पति की वजह से नहीं पहुंचता है, लैंडमार्क की वजह से पहुंचता है, और इस इलाके का मैं वो लैंडमार्क हूं जिसके लिए पते की जरूरत नहीं। बड़ी मिसाइल से कभी चिड़िया का शिकार नहीं किया जाता। पठान जी भाईजान, सिर्फ 10-12 की कब्र खोद कर मैं डॉन नहीं बना। मैंने जिन जिन की कब्र खोदी वो सब डॉन ही थे। हाँ हाँ सही फरमाया। शेट्टी को पहली बार किसी के आगे सर झुकाते हुए देखा है। लगता है एंड्रयू ही बंबई का बादशाह है। वो खामोश नहीं बैठेगा, देखना जरूर दंगा करेगा। तो क्या हम लोगों ने चूड़ियां पहनी है? ए, तू खामोश है। शेट्टी की चिंता तू मत कर, हम सब तेरे साथ खड़े हैं। तेरी तमन्ना थी ना बंबई पर राज करने की, वो वक्त आ गया है। अब तू बंबई का राजा बनेगा। इस समंदर की गहराई क्या होगी? मतलब जानते हो, किनारे पर रहकर गहराई मापी नहीं जा सकती, इसलिए गोता लगा ही लेते हैं। एल्डोराडो के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एक नया रास्ता मिल गया। बेंगलोर। ड्राइवर गाड़ी मैखाने ले चलो। आज इलेक्शन है जनाब, इसलिए ठेका बंद है। कितनी भागदौड़ क्यों मची है? वो राजेंद्र देसाई की बेटी है ना, उसे किसी ने पीने नहीं दिया तो सड़क पे हंगामा कर रही है। जो भी उसके रूबरू जा रहा है बेहिसाब मार रही है। मां कसम बहुत जबरी है भाई। सर, वो हमें मार देंगे, बचा लो हमें। सर, ये लोग जान से मार डालेंगे, बचा लो सर। जो आ रहा है वो शार्प शूटर है कि नहीं? पता नहीं, आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने बाने में है। तो फिर उसे क्या यहाँ झक मारने के लिए बुलाए हो? सिर्फ बंदूक रखने से कोई शार्प शूटर नहीं बन जाता। ओ जनाब, वापस आ जाइए, उन्हें बचाने मत जाइए, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। किसी का कत्ल करने के लिए जिगर मजबूत होना चाहिए, उसमें जज्बात रहम इंसानियत नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। एक बार वो जिसे मारने की ठान ले तो उसका बचना नामुमकिन है। वो कहते हैं